हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू मेक ब्यूटीफुल वॉल आर्ट। कौन सी वॉल आर्ट? रेजिन वॉल आर्ट। यस, इसके लिए मैंने लिया है ये बेस और बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, माय नेम इज कंचन, डू सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी फर्दर डो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो ये वॉल आर्ट मैं लगाने वाली हूँ, ये MCB स्विच बोर्ड अच्छा नहीं लगता है इस टाइप से ओपन, और ये मेरे बिल्कुल घर के एंट्रेंस में ही है। सो सबसे पहले मैंने एक बिल्कुल पतला सा मैंने प्लाईवुड लिया है, मोटा नहीं लिया है बिकॉज हैंग करने में फिर वो और ज़्यादा हैवी हो जाता, और उसको मैंने इसी की शेप में कटवा लिया। सो डे वन में मैंने किया इसको अच्छे से सैंड पेपर से, जितना भी कॉर्नर्स में एजेस में दिख रहे थे उन सबको अच्छे से सैंड किया बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इफ यू वर्क और थोड़े से भी साइड में अगर कहीं भी लकड़ी होगी ना, वो आपके फिंगर को काट सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वी डिड वाज इसके पीछे मैंने लगाए हैं ये हुक्स। अभी से आप हुक लगा लीजिए बिकॉज बाद में क्या होगा ना, इट्स गोना बी सो हैवी, तो आप उसमें हुक कैसे लगाएंगे, और अगर आप ड्रिल करेंगे तो आगे वाला वर्क खराब होने के हाई चांसेस रहते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जेसो। जेसो मैंने अच्छे से 2-3 कोट्स लगाए हैं सो दैट हमारा बेस बहुत ही अमेजिंग रहे, एंड देन हमने इसको एक दिन के लिए छोड़ दिया। देन डे टू में मैंने की सारी प्रिपरेशन। सबसे पहले हमने प्रोटेक्ट करना है अपने बेस को, तो मैंने यहाँ अच्छे से बड़ा सा एक पॉलिथिन लगा लिया है अपनी टेबल के ऊपर। देन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज टू लेवल योर टेबल। यू हैव टू चेक कि आपका जो टेबल है वो लेवल रहे, नहीं तो आपका रेजिन वर्क इधर उधर मूव हो जाएगा। थर्ड थिंग, आई टुक दिस ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स दिया फ्रॉम इट्सी बिट्सी, और फिर मैंने सबसे पहले इनको लगा के देखा वेर एग्जैक्टली आई वॉन्ट देम। थोड़ा सा मैंने पेंसिल से बनाया बेसिक स्ट्रक्चर की मुझे कुछ इस तरह से चाहिए। वैसे रेजन वर्क इट्स लाइक पोर वाला जो आर्ट होता है ना, वो बिल्कुल फ्लो के साथ चलता है। यू रियली डोंट हैव टू प्री प्लान कि मैं ऐसा ही करूँगी एंड वैसा ही करूँगी। सो एक बार क्रिस्टल मैंने देख ली कि मुझे इस तरह से चाहिए, देन आई एम गोइंग टू टेक रेजन। दिस रेजन इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, दिस इज़ 1:2, मतलब 1 आपका लगेगा पार्ट हार्डनर का और 2 लगेगा आपका क्लियर रेजन का। इसको आपको दोनों को अच्छे से मिक्स करना है एंड देन यू हैव टू लीव इट फॉर अबाउट 3-5 मिनट्स, एंड देन ऊपर इसमें क्या होते हैं इस टाइप से बबल्स जितने भी होंगे ना वो ऊपर खुद ही आ जाएंगे, यू डोंट रियली हैव टू टेक आउट देम। एंड देन जितना भी हमने क्रिस्टल्स लगाए हैं उनके ऊपर आप रेजिन पोर कर दीजिए। इसको मैंने धीरे धीरे पोर किया और जहाँ जहाँ आपको शेप चाहिए आप उसको वैसे रखिए। और फिर मैंने और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लिए, आई थॉट मैं कुछ यहाँ ब्लू भी ऐड करती हूँ। पहले आई वॉज थिंकिंग टू मेक इट गोल्ड कलर एंड देन थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन था कि मैं इसे कौन सा कलर करूँ, एंड देन लास्ट में मैं अपने फेवरेट कलर्स में आ गई ब्लू में। तो इस तरह से मैंने ये 2 डिफरेंट ग्लास क्रिस्टल्स लिए और फिर इसके ऊपर भी हमने रेजिन लगा के आई लेफ्ट इट टू कम्प्लीटली ड्राई फॉर अनदर डे। देन आ गए हम डे 3 पे। हमारा जो बेस है कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने जानबूझ के इनको सूखने दिया, नहीं तो आप एक साथ भी सारा कर सकते हैं, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि कोई भी कलर इधर से उधर मिक्स ना हो। फिर हमने क्या किया, जितना भी जो क्रिस्टल थे जो ब्लू कलर के वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पर एल्कोहल इंक लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, रेजिन पिगमेंट बहुत सारे आते हैं, वो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के ले सकते हैं। मैं पहले एक्रेलिक कलर्स यूज़ करती थी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इनके ऊपर मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। फिर यहाँ पर मैंने गोल्ड का रेजिन पिगमेंट लिया है और इसको भी मैंने इस तरह से लगा लिया है। एंड देन यहाँ बीच में मैंने ये ब्यूटीफुल सा पिस्ता ग्रीन लिया है बिकॉज इट वॉज मैचिंग विद ब्लू एंड गोल्ड, वाइट एंड पिस्ता ग्रीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये एक कॉम्बिनेशन मुझे लगा। इनिशियली आई वॉज लाइक आई जस्ट लीव इट, लाइक ग्रीन मैं ऐड नहीं करूँगी, बट इवेंचुअली यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। यहाँ मैंने थोड़ी ग्लिटर भी ऐड किए हैं, दीज ग्लिटर्स आर ऑल्सो फ्रॉम इट्सी बिट्सी लिटिल बर्डी के हैं। इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट यू कैन बाय एंड यू कैन यूज़ माय कूपन कोड कंचन5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, आपको उसमें 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे मैंने गोल्ड एंड जितना भी ग्लिटर्स था वो सब लगा के आई जस्ट लेफ्ट इट फॉर अ डे। बट
बट यहाँ आई वॉन्ट टू शो यू डे फोर में हमने क्या किया, जितना भी मेरा जो एक्स्ट्रा गोल्ड कलर था ना, आई वॉज नॉट रियली लाइकिंग इट, तो मैंने क्या किया उसको निकाल के उसको कवर कर लिया, या आप ऊपर से उस पर दोबारा भी इस तरह से वाइट कलर कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ मैंने वाइट कलर कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड ना अच्छा नहीं लग रहा था। एक्चुअली रेजन या पोर वाला आर्ट में यही होता है, बिकॉज वी डोंट नो वॉट एग्जैक्टली इट्स गाना लुक, जस्ट गो विद द फ्लो, जो जो आपको कलर्स पसंद आते जाते हैं आप उनको लगाते जाइए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ब्लू ऐड कर दिया, थोड़ा पिस्ता ग्रीन ऐड कर दिया, थोड़ी गोल्ड ऐड कर लिए, लास्ट में मैं इनके ऊपर ना मोती लगाऊंगी, इट्स गोना लुक ब्यूटीफुल। एंड अगेन आई लेफ्ट इट फॉर अ डे, डे फाइव वाले दिन मैंने इसके ऊपर लगाए हैं ब्यूटीफुल से पर्ल्स। पर्ल्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये मैंने सिलिकॉन ग्लू से स्टिक किए हैं, पहले मैंने इनको स्टिक कर लिया है और उसके बाद मैंने इनके ऊपर रेजिन लगाया है। उससे क्या होता है कि आपका जो जो भी वर्क होता है ना वो इधर उधर मूव नहीं करता है, एंड स्टिक रहता है तो वो आपको भी ईजी होता है, आपका ज़्यादा रेजिन भी मूव नहीं करता है। और इसको और थोड़ा फिनिश करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से लाइन्स दे दी हैं गोल्ड कलर से, वाइट कलर से, और बीच में थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए यहाँ पर आई हैव एडेड लिटिल बिट मोर पर्ल्स। एज यू कैन सी यहाँ मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप्स के पर्ल्स हैं। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस इफ़ यू वांट टू ऐड देम, बट इफ़ यू ऐड देम इट्स गोना गिव सो ब्यूटीफुल 3D इफेक्ट, गोल्ड एंड पर्ल मिला के। एंड देन अगेन आई लेफ्ट इट फॉर अ डे, डे सिक्स वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज डे सिक्स को मैंने इसको फाइनल फिनिश किया, इसके ऊपर जितना भी टॉप कोट था वो दिया, नीचे हमने बहुत सारी लेयर्स दी है ना, तो इनको हमें फिनिश भी करना होता है, इनके ऊपर एक लास्ट कोट देना होता है ताकि वो एकदम क्रिस्टल क्लियर एंड फिनिश दिखे। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारा रेजिन यूज़ किया और इसको अच्छे से लगा के आई लेफ्ट इट फॉर अ डे। ट्राई टू कीप ऑल योर विंडोज़ ओपन अगर आप इनडोर रेजिन वर्क कर रहे हैं, और जितने भी बबल्स वगैरह हैं उसको आप इस की हीट टॉर्च से निकाल सकते हैं। इफ़ यू हैव इट इट्स ओके, इफ यू डोंट हैव इट यू कैन जस्ट टेक इट आउट विद योर टूथपिक ऑल्सो। और जब ये फाइनली सूख गया, लास्ट डे मैंने इसके बैक पे अच्छे से कलर किया, एक जेसो का कोट लगा के, वार्निश लगा के सील कर दिया, और साइड में भी मैंने ये मेटालिक कलर लगा दिया ताकि ये फिनिश लगे। एंड दैट्स इट, दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल वॉल आर्ट इज़ गोइंग टू लुक। मैं इसको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, बट उससे पहले वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट टिप्स देती हूँ। सबसे पहले आप जितना भी कप्स वगैरह यूज़ करते हैं, जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं, आप उन सबको रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे? सिलिकॉन की स्टिक्स भी ट्राई कीजिए, यूज़ कीजिए, सो दैट यू कैन रीयूज़ इट। उसके बाद कप्स आप इस टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, और जो सिलिकॉन स्टिक है ना उसको साइड में कुछ इस तरह से लगाना है ताकि वो आराम से निकल जाए, और फिर कपड़े से पूछ के आप ये कप को भी रीयूज़ कर सकते हैं। Another one is this one. See how easily it has come out. तो आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टिक है ना उसको कोने में लगा देना है और वो खुद ही ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। और फिर कुछ इस तरह की मैंने पैलेट नाइफ से इसको स्क्रैच करके निकाला है, एंड देन इसको अच्छे से मैं वॉश कर लेती हूँ। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू क्लीन इट। ठीक है, बहुत ईजी होता है इनको क्लीन करना, एंड रीयूज़ ज़रूर कीजिए सारी चीज़ें। उसके बाद रेजिन मिक्स कैसे करना है, बहुत ज़ोर से अगर आप मिक्स करेंगे ना उसमें खूब सारे बबल्स आ जाएंगे, फिर आप बोलोगे मैम बबल्स आ गए कैसे निकाले। दैट इज़ द वे दैट यू हैव टू स्लोली मिक्स इट एंड देन लीव इट। लाइक इफ़ यू लीव इट फॉर 4 to 5 minutes वो ऑटोमेटिकली उसकी बबल्स पूरे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट वन, जब हम रेजिन वर्क करते हैं पीछे की तरफ ना ये वाला सारा का सारा वर्क लग जाता है, क्योंकि वो ऑफकोर्स एक साइड से वो टपकता है तो वो नीचे की तरफ कुछ इस तरह से बैठ जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू थोड़ा सा हीट गन लेकर कुछ इस तरह से रेजिन के ऊपर लगाना है, एंड देन वो क्या होता है बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है, मेल्ट होने लगता है, एंड देन यू हैव टू जस्ट टेक इट आउट वेरी स्लोली, आराम से निकल जाता है। लेट मी नो आपको ये टिप्स कैसे लगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ब्यूटीफुल सा वॉल आर्ट। ओके लास्ट, हाँ ये एक्चुअली लास्ट है। अब इसको हैंग कैसे करेंगे हम, तो हैंग करने के लिए मैंने एक यहाँ रोप ले ली है, और जो हमने दो हुक लगाए थे ना उनके अंदर मैं इस तरह से इस रोप को अच्छे से बांध दूंगी कुछ इस तरह से निकाल के। बी वेरी वेरी केयरफुल, हाँ इसको अच्छे से आप बांधना, नहीं तो आपकी पेंटिंग गिर भी सकती है। एंड दिस वे इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर। और अब चलो हम इसको लगाते हैं। ओके सो इसको मैं अभी वॉल पर लगाती हूँ और फिर देखते हैं ये लगती कैसी। Hey
है ना कितना ब्यूटीफुल। बहुत ही मज़ा आया मुझे ये वॉल आर्ट बनाने में, ऑल दो इट टुक अराउंड 7 डेज। एक्चुअली इतना ही टाइम लगता है जब भी हम कोई भी काम करते हैं डेडिकेशन से, और एक्चुअली दिस पीस वॉज सो बिग, इसको एवरी टाइम यू हैव टू लीव इट टू ड्राई कुछ 6 or 7 hours भी अगर आप देंगे तो भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इतना टाइम लगता है कोई भी आर्ट बनाने में। मुझे ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू गॉट इंस्पायर्ड एंड मेक समथिंग लाइक दिस, डू शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। और मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।